तो दोस्तों बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि आपका रिजल्ट कब आएगा। जो भी बच्चों ने अक्टूबर एग्जाम में अपना एनआईएस में पेपर दिया था, चाहे वो 10th के हो 12th को, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सभी अपना रिजल्ट का वेट कर रहे हैं कब तक आपका रिजल्ट आएगा। तो दोस्तों इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है कि आपका रिजल्ट कब आएगा, सबसे बड़ी अपडेट है। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिए बिना स्किप किए। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एनआईएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के लिए सबसे बड़ी अपडेट आपकी एनआईएस से निकल गई यार ये कि आपका रिजल्ट कब आएगा। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, रिजल्ट आए ना आए, उससे पहले तो आपको ये जान लेना कि आपका एग्ज़ाम दोस्तों आप उसके अंदर पास हुए तो आपका रिजल्ट पासिंग मार्क्स आएगा ही। सबसे पहले ये अपना ध्यान में रखिए, ठीक है। और अगर आप फेल हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी मार्च तक में आपका ऑन डिमांड का एग्जामिनेशन चल रहा है। आप 45 डेज में जितने भी सब्जेक्ट में हो उनसे कोई मैटर नहीं करता, किसी भी सब्जेक्ट का देना चाहे, इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, होम साइंस, जो भी आप सब सब्जेक्ट देना चाहे, आपकी रिक्वायरमेंट आ जाए या फिर SYC, जो भी SYP प्रैक्टिकल में जितने भी फेल हो उससे कोई मैटर नहीं करता। आप ऑन डिमांड मार्च तक ओपन है। आपका रिजल्ट कब तक आएगा मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। रिजल्ट के बाद आपको प्रिपरेशन करने का भी टाइम मिल जाएगा। तो दोस्तों ऑन डिमांड का रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप रजिस्ट्रेशन करना चाहे तो कर सकते हैं। मार्च तक रजिस्ट्रेशन ओपन है, मेरे थ्रू आप कराना चाहे करा सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल में दोस्तों आपको ऑन डिमांड से रिलेटेड सारी डिटेल मिल जाएगी, फीस स्ट्रक्चर जो भी आप जानना चाहें वो भी सब जान सकते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं आपके दिसंबर रिजल्ट में दोस्तों आएगा कि नहीं आएगा, या फिर जनवरी में आएगा। तो रिजल्ट दोस्तों आपके दिसंबर के लास्ट वीक में भी आ सकता है, पॉसिबल आपका ज़्यादातर लास्ट वीक तक में रहता है, और या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में, यानी जनवरी के फर्स्ट वीक यानी 6-7 या फिर 15 तारीख तक में आपके बीच में इतने रिजल्ट आपका डिक्लेयर कर जाएगा एनआईएस से रिलेटेड 10th और 12th के, जो भी आपका होगा नोटिफिकेशन जारी भी कर दिया जाएगा, ठीक है। दोस्तों अभी फिलहाल कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया ऑफिशियल दोस्तों एनआईएस में, लेकिन दोस्तों जहाँ तक अक्टूबर वाले के एग्ज़ाम की बात है, उनका दिसंबर के लास्ट वीक तक में कभी कभार रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, या फिर फर्स्ट वीक कभी कभार लेट होता है तो फर्स्ट वीक भी लग जाते हैं, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको रिजल्ट से रिलेटेड आपका सारे डाउट क्लियर हो गया। और दोस्तों अगर आप फेल भी हो जाते हैं किसी सब्जेक्ट में, चाहे प्रैक्टिकल हो या फिर आपका कोई भी थ्योरी में हो, तो आप ऑन डिमांड के थ्रू भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपके पास ये भी एक रास्ता बच जाता है और अपना साल बचा सकते हैं। 45 डेज में पास होकर रिजल्ट अपना मार्कशीट ले जा सकते हैं, ठीक है। बाकी जो भी अपना नक्शा आगे कर सकते हैं, ठीक है। सारी वैलिड मार्कशीट रहेगी, ये नहीं कि ऑन डिमांड से आपने किया तो कोई आगे चल के इशू होगा, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपका सारे डाउट क्लियर होगा कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा। तो दोस्तों ऐसे ही नेचर रिलेटेड वीडियो के लिए अपडेटेड के चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, आज के बस इतना ही।